तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्री QR कोड कैसे खुद बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बनाने वाले हैं QR कोड, वो भी एकदम फ्री में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके लिए आपको गूगल पे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा QR कोड जनरेटर। तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस लिंक से भी मैं यहाँ पे वो बनाने वाला हूँ QR कोड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं QR कोड जनरेटर। तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसकी उस ऐप की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर डाउनलोड भी कर लिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये जो सेकंड वाली लिंक यहाँ पे आई है QR कोड जनरेटर, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली अपना QR कोड बना सकते हैं। तो QR कोड बनाने के लिए सिंपली यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है। तो फटाफट से जल्दी से ये सब करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको और कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन वॉगिन सारा ईमेल पासवर्ड जो भी करना था यहाँ पे हम लोग ने पूरा सेटअप कर लिया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ईमेल पासवर्ड और सेटअप जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ये वाला स्क्रीन आपको ये स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें और भी मतलब पहले QR कोड बनाए थे। तो उसको जब मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है देयर आर नो एक्टिव QR कोड। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ऊपर की तरफ प्लस बटन है, अगर आपने कभी इसको किया होगा तो ऐसा आपका इंटरफेस आएगा, लेकिन नहीं किया या इसके बाद आप डिलीट करके दूसरा बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है प्लस बटन पे। प्लस बटन पे जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे, ऊपर की तरफ जैसा ही लोड हो जाएगा, नीचे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और यही आपका मेरे ख्याल से पहला इंटरफेस होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम लोगों की जो वेबसाइट है वो मतलब आपको जो चीज़ करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि जितना भी चीज़ों का मतलब जिस चीज़ का आपको यहाँ पे QR कोड बनाना आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हम लोग को वेबसाइट का बनाना है, तो वेबसाइट पे टैप किया, टैप करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे। तो जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मतलब लिंक वेबसाइट की यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। तो वो आप कैसे करेंगे, अब जो भी वेबसाइट की यहाँ पे लिंक आपको डालनी है उसके लिए आप सिंपली YouTube पे जाइए। मतलब जैसे कि मुझे अपने चैनल की लिंक डालनी है तो मैं यहाँ पे YouTube पे जाऊँगा। YouTube पे जाने के बाद थ्री डॉट के बाद शेयर, शेयर के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और नीचे लिख के आ गया लिंक कॉपीड। उसके बाद हम लोग को वही वाले ऑप्शन पे जाना है, मतलब वही वाली वेबसाइट पे जाना है, टैप एंड होल्ड करके यहाँ पे आपको रखना है सिंपली, और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दबाना है, पेस्ट करना, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको इसको कुछ डिज़ाइन करना है नहीं करना है, जो भी है अभी आप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे तरह तरह के जो फ्रेम्स हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो नो फ्रेम पे लगा देते हैं जो कि बहुत ही सिंपल और सही दिखता है, तो इसको लगा लेते हैं, और यहाँ से क्लोज। उसके बाद आप यहाँ पे कोड का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोड का जो पैटर्न है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है लोगों की बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्कैन मी स्कैन जैसा भी है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो एजेस का है वहाँ पे आप कलर कर सकते हैं, आउट वाले जो एज हैं और जो इनर एज हैं उसको आप यहाँ पे इनर और आउटर कोड को आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन सेव। उसके बाद हम लोग को सारी चीज़ नॉर्मल रखनी है, आपको जैसा रखना आप वहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे सिंपली टैप करना है, टैप करने के बाद अगर आप कुछ भूल गए हैं कि मुझको ये नहीं लगाना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज पे जाएंगे तो वापस पिछले वाले पेज पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे टैप करना है, टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड, तो इसको डाउनलोड पे टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद हम लोगों की जो फ्रेम है वो डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया। आप जैसे इस पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम लोगों ने डाउनलोड किया तो अब इस पे ओपन पे जाते हैं,
और जिस चीज से आपको इसको ओपन करना है तो ज्यादा बेहतर होता है व्यू फोटोज से आप ओपन करिए। तो फोटो अपने फोन की गैलरी से यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब ये आप स्कैन कैसे कर सकते हैं अपने ही फोन में, उसके लिए आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके फोन में अगर आप रेडमी के यूजर है तो आपको यहाँ पे स्कैनर पहले ही से प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रेडमी 3S प्राइम में मैं ये चीज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमको यहाँ पे स्कैनर देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो स्कैनर एक ऐप है बहुत ही बढ़िया, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लिएगा स्कैनर का ऐप। उसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी का फोटो देखने को मिलता है। जैसे ही आप सिंपली उस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपका जो भी फोटो जो भी फ्रेम है वो कहाँ पे है आप उसको खोल लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने उसको टैप किया, टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि हम लोगों को वेबसाइट पे जाना है। सॉरी वो पहले वाला यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे ये हो गया ओपन। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं ये वाली ये QR कोड, वो भी फ्री में बिल्कुल, और वो भी बिना कोई झंझट के। और ऐप भी आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐप भी मत डाउनलोड करिए, सिंपली ऑनलाइन आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।